हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में मैं गिव अवे अनाउंस करूंगी। मेरे हस्बैंड जो है वो नॉर्वे से आ रहे हैं, इस वजह से जो है खुशी में जो है मैंने ये गिव अवे रखा है। और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तब तक जो है मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह। गिव अवे के रूल्स जो है बहुत सिंपल होंगे, लेकिन बहुत 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 थोड़ी सी जो है बस आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। और गिव अवे में जो जो भी चीज़ें हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में जो है वो क्लिप ऐड कर दूँगी, क्योंकि एक दो चीज़ें जो मेरे हस्बैंड ने लेकर आनी है, और जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाकर जो है वो लास्ट में ऐड कर दूँगी। वीडियो जो मैं इसलिए पहले बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं वीडियो जो है इस तरीके से बना सकूँ, इसलिए मैं वीडियो जो है वो पहले बना रही हूँ और सिर्फ गिफ्ट जो है उनकी वीडियो मैं अलग से बनाकर जो लास्ट में क्लिप जो है उसका ऐड कर दूंगी। गिव अवे के रूल्स हैं वो भी मेरे हस्बैंड ने सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि उनके आने की खुशी में मैंने ही गिव अवे रखा है, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप ही जो है रूल सिलेक्ट करें। सो रूल्स जो है वो ये है कि मैं आपके साथ 5 पिक्चर्स जो है वो शेयर करूंगी, और उन 5 पिक्चर्स के साथ साथ जो है एक क्वेश्चन होगा, ठीक है? उस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा, तो आपको उन 5 क्वेश्चंस का जो है आंसर जो है वो देना है मुझे, ठीक है? जस्ट लाइक 1 क्वेश्चन जो है मैंने पूछा है पिक्चर के साथ, आपने एक सीक्वेंस में कमेंट सेक्शन में जो है आंसर देना है मुझे। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने पूछा है, लाइक क्वेश्चन आंसर जो है सीक्वेंस नहीं खराब होना चाहिए, जिस सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसी सीक्वेंस में आपने आंसर देने हैं। आपने कमेंट सेक्शन में सिर्फ आंसर जो है वो लिखने हैं, लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का आंसर, नंबर 4 का आंसर, नंबर 5 का आंसर, ओके? आपने यू नहीं करना, लाइक क्वेश्चंस नहीं लिखने, सिर्फ आंसर्स में आपने लिखने हैं। लाइक क्वेश्चन 1 जो भी पिक्चर मैं शेयर करूंगी उसके साथ एक क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आपने 1 करके उसका आंसर आगे जो है लिख देना है, फिर नंबर 2 उसका लिख देना है, फिर नंबर 3, अगर आप ऊपर नीचे भी कर दोगे आंसर्स तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस तरह जो आप गिव अवे में एंटर हो जाओगे, ठीक हो गया? सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने नॉर्वे का कैपिटल का बताना है, और फिर हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है नॉर्वे की, और फिर उनका नेशनल डे क्या है, और फिर उनके किंग का नाम बताना है, और पिक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है इसका नेम बताना है, बहुत फेमस है। इसके अलावा 28 अगस्त फ्राइडे रात के 9 बजे तक आपके पास टाइम है, तब तक जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उस गिव अवे में। और फिर रात 9 बजे के बाद जो भी कमेंट्स आएंगे उस वो जो है बिल्कुल भी काउंट नहीं होंगे। और फिर जिन लोगों के 5 आंसर्स जो हैं वो करेक्ट होंगे उनके नेम्स जो है वो नोट कर लेंगे हम, ठीक है? और फिर मेरे हस्बैंड जो हैं संडे को हम दोनों लाइव आएंगे, और फिर मेरे हस्बैंड जो है उनमें से सिलेक्ट करेंगे विनर्स, ठीक हो गया? या एक होगा या 2 होगा, जितने भी विनर होंगे वो भी आपको जब गिफ्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो भी बता देंगे कि विनर्स कितने होंगे। मैं टाइटल में भी विनर्स जो बता दूंगी, लिख दूंगी कि कितने विनर्स होंगे, ठीक हो गया? और रैंडमली लाइव आकर जो है हम विनर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और संडे को टाइमिंग 4 to 5 के बिटवीन हो सकती है, टाइमिंग जो है मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, ठीक हो गया? और जो लोग मिस कर देंगे कि कौन विनर है कौन नहीं, जिसको नहीं पता लगेगा, वो जो लोग मिस कर देंगे उनके लिए जो है विनर्स के नेम जो है मैं वो इस पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन जो है कमेंट सेक्शन में उसे पिन कर दूंगी। और जो भी विन करेगा वो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करेगा, उधर से मैं आपकी सारी डिटेल्स जो है वो ले लूँगी। आई होप कि आपको सारी बातें और सारे क्वेश्चन और गिव अवे के रूल्स और सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया होगा, और अब जो है हम गिव अवे के जो गिफ्ट्स हैं वो देख लेते हैं जी। अब गिव अवे के गिफ्ट जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये खाड़ी का 2-पीस अनस्टिच ड्रेस है, एंड देन एमके कॉस्मेटिक्स की नरिशिंग फेस क्रीम है, एंड देन ब्लैक ओरिजिनल सनग्लासेस हैं, एंड देन परफ्यूम, और इसके अलावा एक मेकअप पैलेट है जो कि बहुत पिगमेंटेड और बहुत खूबसूरत शेड्स हैं इसमें, और ये ट्रैवल करते हुए जो है इसमें ये इस तरह का एक जो उसका शेड है वो ख़राब हो गया। आई होप यू विल नॉट माइंड। इसके अलावा ये इयररिंग्स हैं, और ये 2 शीट मास्क हैं, और साथ में ये लिप बाम है। ओके जी, अब आपका टाइम जो है वो शुरू होता है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।